हेलो एवरीवन, हाउ आर यू? आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो मेरा नाम है हर्षित और स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल बायोलॉजी क्लासेस में। आज हम लोग बात करने वाले हैं लखनऊ के वन ऑफ द बेस्ट, वन ऑफ द टॉप कॉलेज, दैट इज गोयल आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल लखनऊ। बहुत ही अच्छी लोकेशन पर बना हुआ है और बहुत ज़्यादा इसका नाम भी हो चुका है। हालांकि बहुत पुराना नहीं है, अभी रिसेंट का कॉलेज है, तो कोई भी बैच यहाँ से पास आउट होकर के निकला नहीं है, बट स्टिल इसका काफ़ी नाम हो गया है। अगर कोई भी स्टूडेंट मुझे दो कॉलेज कमेंट करता है तो उसमें से एक गोयल का नाम ज़रूर होता है। तो चलिए, जैसा कि हम लोग बाकी सारे कॉलेजेस का रिव्यू ले रहे हैं, सभी के फीस के बारे में जान रहे हैं, वैसे ही इस कॉलेज का भी रिव्यू लेते हैं। तो वैसे तो लखनऊ के बाकी सारे कॉलेजेस मैंने विजिट किए हैं, लेकिन इसकी लोकेशन के लिए मैं ज़रूर सजेस्ट करूंगा, और जैसा ये कॉलेज बना हुआ है उस हिसाब से मैं ज़रूर सजेस्ट करूंगा कि अगर आप लखनऊ में कॉलेज लेना चाहते हैं तो इसको ऑप्शन में ज़रूर रखना, या तो पहले ऑप्शन में रखना, और अगर कोई और हैं आपके 400 से 450 से ऊपर मार्क्स हैं और आप गुरु गोरखनाथ के लिए देख रहे हैं तो दूसरे ऑप्शन में ज़रूर गोयल को रखना, क्योंकि ये वाकई में बहुत अच्छा बना हुआ भी है और बहुत अच्छी लोकेशन पर भी है। लोकेशन में बता दूं, आपने एक कॉलेज का नाम बहुत सुना होगा, दैट इज़ BBD, बाबू बनारसी दास यूनिवर्सिटी। उसी यूनिवर्सिटी से जैसे ही थोड़ा आगे आप जाएंगे तो आपको राइट साइड पे ये गोयल इंस्टीट्यूट दिख जाएगा। देख लिया, आई होप आप सभी को अच्छा लगेगा, जब कॉलेज विजिट करने जाओगे तो और अच्छा लगेगा। अब बात करते हैं यहाँ की फीस स्ट्रक्चर के बारे में। तो जैसे कि बाकी और कॉलेज के बारे में मैंने बोला है कि सबसे कम फीस जो है वो 2,04,600 रुपये है, वही गोयल की भी फीस है, दैट इज़ 2,04,600 रुपीज़, जो कि वाकई में जितने भी प्राइवेट के आयुर्वेदा कॉलेज हैं उसमें से सबसे कम फीस है। लेकिन हाँ, कुछ चार्जेस यहाँ के हैं जो बाकी कॉलेजों से ज़्यादा हैं, उसकी भी बात करेंगे। तो इसका फीस स्ट्रक्चर जो है वो है 2,04,600 रुपये पर ईयर, ठीक है। अब कोई अगर ये सोच रहा हो कि मैं इंटरनेट से देख के बता रहा हूँ या अपने मन से बता रहा हूँ, तो ऐसा कुछ नहीं, मैंने इस कॉलेज को विजिट किया था, ठीक है, ये आपको दिख रहा होगा, ये गोयल का ही उनका प्रोफार्मा है जो उन्होंने मुझे दिया था एडमिशन के बारे में पूछने पे। तो इन्हीं सारी चीजों पे मैं यहां पर फोटो भी डाल दूंगा, तो आप खुद देख लीजिएगा कि मैं अपनी तरफ से कुछ भी एड ऑन करके नहीं बता रहा हूं, जैसा उन्होंने मुझे बताया मैं वही आपके साथ शेयर कर रहा हूं। और एक और चीज मैं आपको बता दूं कि अगर कोई ये सोच रहा हो कि मैं वीडियो स्पॉन्सर्ड होते हैं या मुझे तो पैसा मिलता है कॉलेज से इसलिए मैं बना रहा हूं, तो ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। मैं किसी भी कॉलेज को विजिट करने जाता हूं ना, तो इसलिए नहीं जाता हूं कि आई एम अ काउंसलर, आप मुझे पैसे दो मैं आपको बच्चे ला करके दूंगा, ऐसा नहीं है, कोई डील नहीं होती है। मैं जस्ट विजिट करने जाता हूं ताकि जो स्टूडेंट्स हैं मेरे नीट के, एक्चुअली मैं नीट में भी कोचिंग्स पढ़ाता हूं, जूम पे भी ऑनलाइन क्लास लेता हूं, तो जो स्टूडेंट हैं मेरे उनको मैं सही गाइडेंस, सही इंफॉर्मेशन दे सकूं। और दूसरी चीज़, जब भी मैं बात करने जाता हूं तो मैं इस तरह से जाता हूं कि मेरी छोटी बहन है, छोटा भाई है, उसको मुझे आपके कॉलेज में एडमिशन कराना है,
तो आप बताइए कि आपके कॉलेज की फीस कितनी है और कॉलेज कैसा है। अगर आपको यकीन नहीं है तो यहाँ पर मैं एक इंक्वायरी फॉर्म दे दूंगा। जब मैं विजिट करने गया था तो मैंने अपनी सिस्टर का नाम लिखा हुआ था, नंबर लिखा हुआ था, तो ये इंक्वायरी फॉर्म मैंने भर के दिया था। तो ये इंक्वायरी फॉर्म मैंने भर के दिया हुआ था, उसी बेसिस पे उन्होंने मुझे कॉलेज दिखाया। ठीक है, तो ये बिल्कुल मत सोचना कि मैं किसी भी कॉलेज को इसलिए अच्छा बता दूंगा क्योंकि मुझे वहां से पैसे मिलेंगे, ऐसा नहीं है। तो ये हमने बात करी ट्यूशन फीस की। अब नेक्स्ट अगर हम बात करें तो नेक्स्ट है दैट इज रजिस्ट्रेशन फी। रजिस्ट्रेशन फी के नाम पे ये आपसे 50,000 रुपए चार्ज करेंगे और उस रजिस्ट्रेशन फीस के साथ साथ ये आपको वेलकम किट प्रोवाइड करेंगे, बुक्स प्रोवाइड कराएंगे, बैग प्रोवाइड कराएंगे। ठीक है, ये ऐसा इन्होंने लिखा हुआ है। अब फर्स्ट ईयर वाले जो स्टूडेंट हैं वो नीचे कमेंट करके बता सकते हैं कि ये लोग क्या क्या प्रोवाइड कराते हैं, या लिखा अकेले प्रोवाइड कुछ नहीं कराते, तो वो बच्चे ही अच्छे से जानते हैं। तो अगर कोई गोयल का बच्चा देख रहा है तो नीचे कमेंट करके बता सकता है कि क्या क्या प्रोवाइड कराया जाता है। तीसरी चीज़ जो इम्पॉर्टेंट है दैट इज़ कॉशन मनी, सिक्योरिटी मनी, जो कि 50,000 है वो आपको एट द टाइम ऑफ एडमिशन जमा करनी पड़ेगी। यानी कि 50,000 रुपये आपको रजिस्ट्रेशन फ़ी के नाम पे देने पड़ेंगे और 50,000 रुपये ही आपको सिक्योरिटी मनी जमा करानी पड़ेगी। और ये सिक्योरिटी मनी रिफंडेबल है, यानी कि जब आपका कोर्स पूरा हो जाएगा, आप डॉक्टर बन जाएंगे, तो ये आपको वापस कर दी जाएगी। उसके अलावा एग्जामिनेशन फीस इंटरनल एंड एक्सटर्नल पर ईयर, इन्होंने ऐसा लिखा हुआ है कि एज इंस्ट्रक्टेड बाई एफिलिएटिंग यूनिवर्सिटी या कॉलेज। मुझे हंसी आती है जब कहीं ऐसा लिखा होता है, लेकिन अब क्या है ना कि मैं तो अंदर की चीज़ें जानता हूँ, तो मैं डायरेक्टली उनसे पूछ लेता हूँ कि कितनी होगी। लिख तो दिया कि एफिलिएटेड यूनिवर्सिटी जितना डिसाइड करेगी, लेकिन ऐसा नहीं होता। तो जब मैंने उनसे पूछा तो उन्होंने मुझे बताया 10,000 से 15,000 रुपये हम लोग चार्ज करते हैं, और जो कि एफिलिएटिंग यूनिवर्सिटीज़ हैं 7,500 से 8,000 रुपये चार्ज करती हैं, ये हकीकत है। ठीक है, तो 10,000 से 15,000 रुपये आपको एग्जामिनेशन फीस के नाम पे देना पड़ेगा, लेकिन वो एडमिशन के टाइम पे नहीं देना होता है, वो जब आपके एग्जाम होंगे 18 मंथ में, 1.5 साल में, तब आपको देने पड़ेंगे। अब लास्ट और इम्पॉर्टेंट, जैसा कि हम लोग लखनऊ के सभी कॉलेजेस में बात करते हैं, और मैं यही कहता हूँ कि लखनऊ में अगर आपको कॉलेज लेना है तो आप लखनऊ के हैं भी तब भी मैं यही कहूँगा कि हॉस्टल ले लो, क्योंकि आने जाने में इतने दूर बने हुए हैं, कहने के लिए लखनऊ के सिटी में है, हाईवे किनारे हैं, बट जब आप डेली ट्रैवल करोगे ना, पर्सनल व्हीकल हो या ऑटो टैक्सी से आप जाएं आएँ, तब भी आपके कहीं ना कहीं 1.5-2 घंटे लॉस होंगे सुबह और 1.5-2 घंटे लॉस होंगे शाम को। ठीक है, और वक्त बहुत इंपॉर्टेंट है, और जब एग्ज़ाम होते हैं तब तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तब लगता है कि अरे यार उतनी दूर से आ रहे हैं, हॉस्टल ले लिया होता तो कितना अच्छा होता, भाग के सीधा कॉलेज चले जाते। तो मैं वही कहूँगा कि अगर आप हॉस्टल लेने वाले हैं तो चलिए बात कर लेते हैं हॉस्टल की फ़ीस के बारे में। यहाँ तीन तरह की फ़ीस आपको पड़ेंगी, तीन तरह की किस बेसिस पे पड़ेंगी ये भी मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ पर पहली चीज़, एक तो एसी और नॉन एसी हॉस्टल के बेस पे आपको पैसे देने होंगे, और दूसरा एक और चीज़ यहाँ पर है वो है ट्रिपल शेयरिंग या डबल शेयरिंग। मीन्स आप दो लोगों के साथ रहना चाहते हैं या तीन लोगों के साथ रहना चाहते हैं। अगर तीन लोगों के साथ रहना चाहते हैं तो गर्ल्स हो या बॉयज़, आपको नॉन एसी हॉस्टल जो पड़ रहा होगा वो 80,000 पर ईयर देने होंगे। वहीं अगर आप डबल शेयरिंग में रहते हैं नॉन एसी में, तो आपको 90,000 रुपये पे करने होंगे। लेकिन दूसरी तरफ अगर आप एसी हॉस्टल लेते हैं तो वो डबल शेयरिंग का होगा और वहाँ आपको 1 लाख पर ईयर पे करने पड़ेंगे। ठीक है, दोनों के लिए सेम है, चाहे गर्ल्स हो या बॉयज हो, फीस दोनों के लिए सेम है। अब एक और अच्छी चीज जो बाकी कॉलेजेस में मुझे देखने नहीं मिली वो है ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी। इस कॉलेज में अपनी खुद की बसेस हैं जो आपको आपके घर से उठाएंगी और कॉलेज में लेके आएंगी। ठीक है, तो ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी अगर आपको लगवानी है तो वो अलग से चार्ज पे करना होगा। उसका चार्ज मैं यहाँ पर डाल दूंगा फोटो, तो वो देख लेना। ठीक है, अलग अलग किलोमीटर के हिसाब से अलग अलग चार्जेस हैं। अब ये तो हो गई फीस, हॉस्टल फीस, हिडन चार्जेस, अदर चार्जेस, सिक्योरिटी चार्जेस, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी, ये सारी बातें कर ली। अब एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जिसके लिए आप मेरे वीडियोस देखने आते हैं, सब कॉलेज के बारे में बताइए, क्योंकि कॉलेज के बारे में बाकी सारे लोग जो हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा गूगल से वीडियो उठा के दिखा देंगे, या गूगल पे जो वीडियो पड़ा है उनकी वेबसाइट पे जो फोटोज़ पड़ी हैं वो देख लेंगे, लेकिन इन रियलिटी जो कॉलेज होता है वो आप नहीं देख पाएंगे। मैं सच बता रहा हूँ,
इसलिए नहीं देख पाएंगे क्योंकि आप ऐसे टाइम पे जाएंगे तो वो कोई ना कोई बहाना बना देंगे। जैसे मैं गया तो मुझसे बोला कि अभी गर्मी बहुत है इसलिए हॉस्पिटल में पेशेंट नहीं है, छुट्टियां चल रही हैं इसलिए बच्चे नहीं हैं। कई सारे कॉलेजेस ने ऐसा भी बोला, हालांकि गोयल में जब मैं गया तो वहाँ स्टूडेंट थे, मैंने क्लासेस देखी, वहाँ पे क्लासेस चल रही थी, मुझे नहीं पता कि वहाँ छुट्टियाँ जल्दी ख़त्म हो गई या छुट्टियाँ हुई ही नहीं। ये बच्चे कमेंट करके बताएं कि क्या छुट्टियाँ ख़त्म हो चुकी थी जून में, शायद 15 या 20 जून के बीच में मैं कभी गया था, तो स्टूडेंट कमेंट करके बताएं कि क्या 15 जून के बाद आपकी क्लासेस स्टार्ट हो गई थी या आप लोग घर ही नहीं गए हैं। ठीक है, तो कमेंट कर सकते हैं। अब इसके अलावा बात करते हैं क्लासरूम्स की, लैब्स की, हॉस्पिटल की, हर्बल गार्डन की, जो कि सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ें होती हैं किसी भी मेडिकल कॉलेज में। तो ओवरऑल अगर हम बात करें बिल्डिंग की, हॉस्पिटल और या कॉलेज कैसा बना हुआ है, तो बहुत अच्छा बना है। मतलब एक आयुर्वेदा कॉलेज इतने मॉडर्न तरीके से नहीं बना होता, सच बता रहा हूँ। आयुर्वेदा जो कॉलेजेस होते हैं वो पुराने ज़माने के हिसाब से बने होते हैं, जैसे आपके BA BSc के कॉलेजेस होते हैं, लेकिन ये जो है बहुत ही मॉडर्न तरीके से बना हुआ है और मॉडर्न फैसिलिटी भी होती है। सबसे अच्छी चीज़ मुझे यहाँ पे यहाँ की क्लासरूम लगी, क्योंकि एक क्लासरूम जो होता है, अगर आप LN में पढ़े हैं कोटा में, तो आपने वहाँ के क्लासरूम्स देखे होंगे कि पूरा साउंड प्रूफिंग होते हैं। एक बिल्डिंग में 4 क्लासेस चल रही होती हैं लेकिन पता नहीं चलता कि गेट के बाहर क्या हो रहा है, कितना भी शोर मचाओ कितना भी चिल्लाओ समझ में नहीं आता। समझ में तब आता है जब सीट भड़बड़ होती है ना, तो ऊपर से आवाज़ आती है कि पता नहीं क्या भूकंप आया क्या हुआ है ना, तो ये चीज़ फील करी होगी कोटा में। तो वैसी ही कुछ क्लासेस मुझे यहाँ देखने को मिली, पूरा कॉम्पैक्ट एकदम बंद, AC लगा हुआ है ना, उसके बाद साउंड प्रूफिंग क्लासेस, और मुझे नहीं लगता कि कहीं का शोर कहीं कुछ बाहर की एक्टिविटीज़ आपको क्लास के अंदर से पता चलेगी, क्योंकि ज़्यादातर जो आयुर्वेदिक कॉलेज होते हैं वो एकदम ऐसे बने होते हैं, खिड़कियाँ खुली हैं, बच्चे बाहर झांक रहे हैं, कहीं बंदर देख रहे हैं, कहीं कुछ देख रहे हैं है ना, रोड पे कौन आ रहा है जा रहा है ये भी देख रहे हैं, टीचर जब बोलता है या चौक फेंक के मारता है, चौक फेंक के तो क्या ही मारेगा, चौक का तो ज़रूरत ही नहीं पड़ती, फिर जब टीचर क्वेश्चन करने के लिए खड़ा करता है तब समझ में आता है अरे यार बाहर देख रहे थे तो पकड़े गए है ना। तो ऐसी क्लासेस होती हैं, लेकिन गोयल की क्लासरूम मुझे बहुत अच्छी लगी है। अगर आप वाकई में एडमिशन लेना चाहते हैं तो यहाँ पे आप ले सकते हैं, मेरा सजेशन यही है। तो अगर बात करें लैब्स की, तो लैब्स जो हैं वो भी बहुत ही वेल मेंटेन्ड हैं, अच्छे तरीके से बनी हैं। और एक और चीज़ जो मैं आपके साथ शेयर करूं, जब मैं लैब में गया तो एना की लैब थी, और एना की लैब में जब मैंने एक नाम देखा, मैं नाम चलो ले लेता हूँ, डॉक्टर पूजा गुप्ता, जब मैंने नाम देखा तो मुझे एक चीज़ याद आई कि ये नाम तो कहीं सुना सुना हुआ लग रहा है। तो जो मुझे कॉलेज विजिट करा रहा था, मैंने उससे पूछा कि ये अभी रिसेंट में आई हैं क्या, तो बोला कि हाँ अभी आई हैं। तो मैंने कहा मैं इनसे मिल सकता हूँ, तो बोले कि आप जानते हैं, मैंने कहा जानते हैं, क्लास टीचर रही हैं मेरी ये फर्स्ट ईयर में, डॉक्टर पूजा गुप्ता जो एना की टीचर हैं गोयल में, वो पहले मेजर HD सिंह में पढ़ाती थी फरुखाबाद में, अभी गोयल में पढ़ा रही हैं। फिर उसके बाद उन्होंने मुझे फ़ोटो दिखाई, मैंने कहा हाँ यही हैं, तो बोले आपको जानती हैं, मैंने कहा क्यों नहीं जानती होंगी, हमारे जैसे लड़कों को तो सभी जानते हैं पूरे क्लास में, आप जानते हैं दो तरह के लोगों को तो सब जानते हैं है ना, या तो फिर सबसे आगे बैठने वाले टॉपर हूँ या बैक बेंचर हूँ, अब आप समझ जाओ मैं क्या हूँगा, इन्हीं दोनों में से कुछ हूँगा तभी लोग मुझे जानते हैं। तो मैं गया, मैं जैसे ही मिलने गया तो खुद बाहर निकल के आ गई, तुरंत बुलाया आओ आओ, बैठे हम लोग बातें किया, बाकी सारे टीचर्स हैं फैकल्टी से मिलवाया, बहुत अच्छा नेचर था, सारे फैकल्टीज से बात हुई मेरी, काफ़ी अच्छा बिहेवियर था उनका। उसके बाद पूछा उन्होंने आज यहाँ कैसे, तो मैंने बताया अपनी सिस्टर के एडमिशन के लिए मैं विज़िट कर रहा हूँ, ऐसे डायरेक्टली मैं नहीं बोलता। तो फिर ऐसे ही बस बातचीत होने लगी कि बहुत अच्छा कॉलेज है, ठीक है करा सकते हो, लोकेशन के बारे में पूछने लगी तो मैंने बताया, कहती ओके है कॉलेज अच्छा है। फिर एक और चीज़ मुझे पता चली,
जब हमारी ऐसे डिस्कशन हुई कॉलेज के बारे में कि आप कॉलेज से चली गई तो बाकी टीचर्स भी सारे चले गए, और ऐसे डिस्कशन हो रहा था तो डिस्कशन में एक और चीज़ निकल के आई कि जो मेजर की वाइस प्रिंसिपल रही हैं और 10-15 साल से ज़्यादा रही हैं शायद, मेरे हिसाब से कॉलेज 2006 में ओपन हुआ था, और उसके बाद जब भी मैं वो जाते हैं ना, जब लैब में जाते हैं तो वहाँ पोस्टर्स टंगे हुए होते हैं, और वो पोस्टर बहुत पुराने पुराने बैचेस के होते हैं, 2010 बैच के, 2008 बैच के, तो उनको जो पढ़ाते रहे उनके टीचर्स के नाम लिखे होते हैं, तो पता चल जाता है ये टीचर्स कितने पुराने हैं। तो ऐसे ही मैं उनका नाम 2010-11 से देखते हुए आ रहा हूँ, तो कम से कम 15 साल तो रही हैं, 15 साल से तो मैं जान रहा हूँ, उसके पहले से रही होंगी तो मुझे नहीं पता, 15 साल से वो टीचर मेजर में रही हैं और वाइस प्रिंसिपल के पद पर रही हैं, लेकिन अभी रिसेंटली हाल ही में वो कॉलेज छोड़ करके चली गई, और तब मुझे पता चला कि वो अभी गोयल में है। तो बहुत अच्छी टीचर हैं, बहुत अच्छा पढ़ाती हैं, हालांकि वो सेकेंड ईयर वाले बच्चों को पढ़ाएंगी। आपका सब्जेक्ट होगा रस शास्त्र, तो रस शास्त्र में एक और सब्जेक्ट होगा, दैट इज भैसज कल्पना। वो जो टीचर पढ़ाए ना, वो समझ लेना कि मेजर से आई हुई है। अब उनका नाम क्या है आप नीचे कमेंट करके बता सकते हैं मुझे, ठीक है? तो अब फैकल्टी के बारे में मैं क्या बात करूं, क्योंकि फैकल्टी तो हमारे कॉलेज की ही है तो मैं जानता हूँ फैकल्टी कैसी है, तो मैं फैकल्टी के बारे में क्या बोलूँ, बाकी फैकल्टीज़ भी वैसी ही होंगी, तो फैकल्टीज़ भी नो डाउट काफ़ी अच्छी हैं। और अब बात कर लें हॉस्पिटल के बारे में, तो हॉस्पिटल के बारे में अगर हम बात करें तो वैसे तो मैं गर्मियों में गया था, जून में था, वैकेशन थी, तो मुझे बहुत ज़्यादा पेशेंट तो वहाँ नहीं दिखाई दिए, हालांकि जो स्टाफ वगैरह था वो सब वहाँ पर वेल मेंटेन्ड थे, है ना, कोई ऐसा नहीं था कि खाली पड़ा है, कोई दिख ही नहीं रहा है, तो ऐसा नहीं है। हो सकता है उस समय बहुत ज़्यादा पेशेंट ना हो, लेकिन जो पेशेंट फ्लो है वो अच्छा खासा है। जिस हिसाब से मुझे हॉस्पिटल का स्टाफ देखने को मिला, मुझे समझ में आ गया कि अगर स्टाफ इतना है तो इट मीन्स कि पक्का यहाँ पर पेशेंट फ्लो अच्छा है, तभी इतना स्टाफ यहाँ पर है, वरना जहाँ हॉस्पिटल में पेशेंट नहीं होते तो स्टाफ वहाँ रह करके क्या करेगा, है ना। तो हॉस्पिटल के बारे में अगर बात करूँ तो अच्छा खासा है उसमें भी, नो डाउट। अभी ऐसा तो है नहीं कि कोई भी बैच पास आउट हो गया है तो वहाँ पर इंटर्न हूँ तो मैं उनसे बात कर सकता, उनसे मिल सकता, तो ऐसा भी नहीं था। सारे अभी नए बच्चे हैं, अभी कोई भी पास आउट नहीं हुआ है, तो इंटर्नीज तो नहीं थे, लेकिन हाँ हॉस्पिटल ठीक ठीक था। तो ये सारी बातें थी गोयल आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल, जो कि लखनऊ में बहुत ही बेस्ट लोकेशन पर है, उसकी बातें थी। तो आई होप कि आपको ये सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। इसके अलावा अगर आपके कोई डाउट रह जाते हैं या कोई चीज़ आपको समझ में नहीं आ रही है और अभी भी आप कंफ्यूज हैं कि कौन सा कॉलेज लें, कौन सा ना लें, और इसकी कट ऑफ कितनी रहने वाली है, इन सब चीज़ों पे अगर आप कंफ्यूज हैं तो सिंपल सी मैं एक चीज़ बता रहा हूँ, आपको क्या करना है, मेरी वेबसाइट पे जाना है, नीचे लिंक दे रखा है, दैट इज़ www.biologyclasses, क्लासेस की स्पेलिंग देख लो, ठीक है, अगर टाइप कर रहे हो तो गलती मत करना, SSES, ठीक है, biologyclasses.com। इस वेबसाइट पे जाएंगे तो वहां जाते ही सबसे ऊपर आपको मेरा कॉन्टेक्ट नंबर दिख जाएगा, वहां से आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं, या फिर आप मुझे कॉल भी कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा इंस्टाग्राम पे अगर आप बात करना चाहते हैं तो मुझे डीएम कर सकते हैं, ये इंस्टाग्राम यूजर नेम है, नीचे इसका लिंक दे रखा है, आप डायरेक्टली वहां पर जा करके मुझे फॉलो भी कर सकते हैं। और एक चीज जो मैं आपको शेयर कर दूं कि ये सारी चीजें पेड हैं, ठीक है, अगर आप मुझसे बात करना चाहते हैं तो आपको पे करना होगा, ठीक है, 399, बहुत ज़्यादा नहीं है। इसके लिए आपको सजेशन प्रोवाइड करे जाएंगे, आपको कॉलेज की लिस्ट भेजूंगा आपके मार्क्स के हिसाब से कि ये कॉलेज आपके ऑप्शन में आएंगे। और इसके अलावा आप ये भी पूछ सकते हैं कि मैं इस लोकेशन का हूँ, मेरे लिए हॉस्टल कैसा रहेगा, और इसके अलावा पढ़ाई के लिए क्या मुझे बाहर से कोई कोचिंग लेना पड़ेगा या टीचर्स इनफ होते हैं, तो ये सारे जो आपके कन्फ्यूज़न है कॉलेज के अंदर की प्रॉब्लम्स को लेकर के, उसके लिए आपको मेरे से 1-to-1 कन्वर्सेशन करना पड़ेगा 399 पे करके। उसके अलावा अगर आप मुझे कॉल करते हैं या व्हाट्सअप करते हैं और आपको पर्सनल काउंसलिंग करानी है,
तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, और अगर आप इंटरेस्टेड हैं मुझसे पर्सनल काउंसलिंग कराने में, इस काउंसलिंग में सारी फैसिलिटी आपको मिलेंगी, आपको आपके मार्क्स पे कॉलेज दिलाने से लेकर के आपके 4.5 साल तक, जब तक आपका पूरा कोर्स कंप्लीट नहीं हो जाता तब तक आप मेरे साथ जुड़े रहेंगे। ऐसा नहीं है कि मैंने कॉलेज दिलाया और काम खत्म, फिर कॉलेज में क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं उससे मुझे कोई लेने देने है, ऐसा नहीं है। आपको सारी सुविधाएं मिलेंगी, चाहे वो पढ़ाई से रिलेटेड हो या किसी एग्जाम से रिलेटेड हो या कोई बुक से रिलेटेड हो, ये सारी फैसिलिटी आपको प्रोवाइड कराई जाएगी। और कुछ लेक्चर्स भी हैं, चाहे आपके फिजियोलॉजी के हों, एना के हों, संस्कृत के हों, ये सारे लेक्चर्स मेरे द्वारा आपको कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट दिए जाएंगे। ठीक है, तो ये कुछ चीज़ें हैं। इसका चार्ज कितना है ये आपको पता चल जाएगा जब आप मुझे व्हाट्सअप करेंगे या कॉल करेंगे, तो आपको वहां पर इसका चार्ज पता चल जाएगा। ठीक है, बाकी देख लीजिए एक बार फिर से, और यही सारी चीजें नीचे लिंक पे दे रखी हैं। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि सर आप भी BMS की फील्ड में, फिर आप ये पेड क्यों कर रहे हैं, हमारे लिए फ्री कर दीजिए ना। मैं आपको बता दूं, पिछले 3 सालों से मैं फ्री ऑफ कॉस्ट काउंसलिंग कर रहा हूं। मैंने अपनी रातों की नींदें खराब करी हैं, रात के 3-3 बजे भी मैसेज आए हैं और सुबह 6 बजे भी कॉल आई है। कभी ऐसा नहीं हुआ कि मैंने किसी की कॉल कट कर दी हो या किसी के मैसेज का रिप्लाई नहीं दिया हो, देर से भले ही सही लेकिन मैंने रिप्लाई ज़रूर किया है। लेकिन आज 3 साल बाद ये वक्त है कि अगर कुछ जगह पर मैं नहीं जा पा रहा हूँ और मुझे पता है कि कोई स्टूडेंट वहाँ पर है और मैं उससे बात करने की कोशिश कर रहा हूँ, तो वो मुझसे बात नहीं कर रहे, ब्लॉक कर देते हैं या फिर मैसेज सीन करके छोड़ देते हैं। पता नहीं उनके अंदर क्या डर है, या तो कॉलेज के बारे में नहीं बताना चाहते हैं, या उन्हें लगता है कि चलो छोड़ो मेरे से क्या ही लेने देना, जब ज़रूरत थी तब मेरी हेल्प ले ली उन्होंने, आज कॉलेज मिल गया, अब क्या फ़र्क पड़ता है। तो दुनिया जैसी है मुझे वैसा बनना पड़ा। अगर आप मेरे से सिर्फ उतना ही मतलब रखेंगे जितने में आपका काम निकला है, तो मुझे भी आपसे सिर्फ उतना ही मतलब है जितने में मेरा काम निकला है। सीधी सी बात है, ठीक है, बुरा लगे अच्छा लगे आपके ऊपर है, लेकिन बिजनेस में कोई इमोशंस नहीं होते। तो सिंपल सी बात है, अगर आप पे करेंगे तो आपको सारी इंक्वायरी, सारे आपके जो भी इश्यूज हैं आपके कॉलेज से रिलेटेड, आपके मार्क्स से रिलेटेड, ये सारे सॉल्व कर दिए जाएंगे। इसके अलावा नो दोस्ती नो फ्रेंडशिप। ठीक है, तो चलो मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ, किसी और कॉलेज के रिव्यू के साथ। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, थैंक यू, हैव अ नाइस डे एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर।